पिकाचू है, मैं कह रहा हूँ बाल की एक नई दुनिया में, मतलब पोकेमोन की एक नई दुनिया में, मतलब पालगढ़। तो जैसे कि आपको पता सब गेमर्स ने पालगढ़ गेम खेल रही है, लेकिन मैं बच गया यार, मैं तो खेलूंगा पालगढ़ भाई। मेरी डाउनलोड नहीं होती, कभी मेरा नेट नहीं आता, कभी मेरा फोन नहीं चलता भाई। जल्दी चलते हैं गेम में, और हम लोग पालगढ़ में तो आ चुके हैं, जल्दी से हम स्टार्ट गेम कर लेते हैं एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ओ, एक नया वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। इस वर्ल्ड का मैं नाम रखूंगा वर्ल्ड। ओके गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड कस्टम सेटिंग में तो डिफिकल्टी नॉर्मल, आई थिंक मुझे कैजुअल में, हाँ नॉर्मल ही ठीक है। एंड कस्टम सेटिंग्स में कुछ भी नहीं चेंज शूट करनी हम लोगों ने, एंड जल्दी ओके करते हैं एंड स्टार्ट द गेम करते हैं। राइट गाइस, गेम तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आई थिंक सो दैट। ऑलराइट गाइस, हमारा कैरेक्टर बनाने का टाइम आ चुका है एंड ओके, तो हमें प्लेयर का नाम रखा होगा, रखना होगा। तो प्लेयर का नाम मैं रखने वाला हूँ, नहीं यार मुझे लग रहा है, मुझे लगता है मुझे ऑलराइट गाइस, नाम तो मैंने रख लिया है एंड यहाँ पे कंफर्म करते हैं एंड प्रेजेंट में जाते हैं। प्रेजेंट में हम क्या 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 ले सकते हैं? ओ भाई, अबे अरे भाई, मुझे फीमेल नहीं चाहिए भाई, क्या सारी फीमेल है क्या? अबे भाई यार क्या है, ओके ये मेल लग रहा है मुझको एंड ये आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है मेरे लिए। एंड बॉडी में जाके हम लोग स्किन कलर को तो यही छेड़छाड़ नहीं करनी हम लोगों ने। गाइस मैं ना अपना कैरेक्टर सेट करता हूँ, फिर आप लोग सुन लेता हूँ 2 मिनट के अंदर। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड जल्दी से स्टार्ट गेम करते हैं। यस बॉयज, ओके गाइस हम लोग पाल की एक नई दुनिया में आ चुके हैं। ओ भाई साहब, ये मैं किधर आ चुका हूँ? आई थिंक सही आईलैंड पे मैं स्पॉन हुआ हूँ। मैं मेरे सामने है कुछ द टावर ऑफ द की, मतलब ये कुछ द ट्री होल्डर, ओ मतलब यहाँ पे ट्री, मतलब ट्री की बात हो रही कुछ। सही, हम लोग उठ चुके हैं एंड हम लोग गए हैं ओके गाइस, कंट्रोल मेरे हाथों में तो आ चुके हैं एंड आई थिंक डब्ल्यू से। ओ भाई, ये है विंड्स वेप्ट हिल्स। ओके हम लोग विंड्स वेप्ट हिल में तो आ चुके हैं एंड अभी करना क्या है यहाँ पे? आई थिंक मुझे आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ओ माय गॉड गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारी कार की दुनिया में तो हम लोग आ चुके हैं एंड ये है मेरा फेस। अबे आई थिंक वो फास्ट ट्रैवल हो सकता है, मुझे इसको जाके अनलॉक करना पड़ेगा। हेलो डिवाइस को अनलॉक करो कोई। गाइस हमारा फास्ट ट्रैवल तो अनलॉक हो चुका है एंड हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। गाइस हमें थोड़ा सा तो पिक अप करना पड़ेगा फॉलन ब्रांचेस को। सो आई थिंक ये क्या भाई? ओ भाई ये तो स्टोन है एंड स्टोन को हम पकड़ लेते हैं यहाँ से। ओके हमारे बैग में तो स्टोन आ चुका है एंड हमें थोड़े से कुछ ट्रीज वगैरह चॉप करने होंगे जिसकी मदद से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट में भाई। मतलब ये पूरी माइनक्राफ्ट है भाई, ये पूरी माइनक्राफ्ट की है। अबे भाई मुझे कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा। ओके ये है एक ट्री। अबे भाई यार मुझे नीचे जाने से डर लग रहा है गाइस क्या। अबे भाई इससे अच्छा मैं सामने वाला ट्री नहीं ना। अबे भाई वो भी तो नीचे ही है। देखो यार मुझे ना कुछ तो कुछ करके भाई, ये भाई मुझे एरिया अच्छा लगा है एंड सामने इतनी लाल ट्री है भाई, मैं पागल हूँ यार, मैं मुझे सामने जाना पड़ेगा यार, मैं बेवकूफ नीचे जा रहा हूँ यार। चलो खैर हम लोग यहाँ से थोड़े ट्री चॉप कर लेते हैं भाई, इसको मुक्का कैसे मारूं मैं? अबे ओके यहाँ पे है एक, ओके यहाँ पे है एक वर्क बेंच, इसको बनाने के लिए मुझे, मेरे पास अभी कुछ मटेरियल भी नहीं है तो यार। अबे भाई ट्री है, ओके हाँ ट्री टूटा बेस की भैंस की टूट टूट टूट। ओके गाइस हम लोग ट्री को तो चॉप कर जा रहे हैं, आई थिंक मुझे कुछ मिल चुका है एंड अभी मैं वर्क बेंच बना सकता हूँ एंड वर्क बेंच को मैं थोड़ा प्लेस करता हूँ यहाँ पे कहीं पे, इटिंग यहाँ पे एंड लेट्स गो गाइस, हमारा वर्क बेंच भी तैयार है। चाहेंगे अबे ओके गाइस हमें इसको होल्ड करना होगा
बिल्ड करने के लिए। लेट्स गो, हमारा बिल्ड हो रहा है। देन गाइस हमारा वर्क बेंच तो बिल्ड हो चुका है। एंड अभी आई थिंक मुझे इसके अंदर जाके ये है वुडन क्लब और ये है वुडन क्लब, ये बेसबॉल बैट है ना भाई, इसका अटैक भी है। एंड इसके लिए मुझे 5 फुट की जरूरत पड़ेगी, तो 5 फुट भैंस की टांग इसलिए। तो चल तो भाग नहीं, वो अच्छा यहाँ से ये भी सही है। लेट्स गो गाइस, इसको तोड़ते हैं। तो 5 फुट लेने आया था मैं भाई, 5 फुट लेके आ चुका हूँ गाइस। जल्दी से हम लोग बनाते हैं यहाँ से आ जा दबा के हम लोग अपना बेस बॉल। अबे भाई बेस बॉल तो क्या सीन चल रहा ये, आई थिंक तो भाई मेरे पास 3 वुड कलेक्ट हुई है और ये है टॉर्च। भाई मुझे टॉर्च की तो जरूरत नहीं है भाई, मुझे बेसबॉल बैट बनाना है, तो उसके लिए मुझे और वुड की जरूरत पड़ेगी। मतलब पेड़ तो अभी गिरा नहीं, वैसे मैंने काट तो लिया है, अब देखते हैं हमारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आई थिंक बन पाएगा, तो इसको हम लोग जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके हमारा तो क्राफ्ट हो रखा है। एंड अभी मुझे एफ को दबा के रखा होगा जिसकी वजह से हमारा क्राफ्ट होगा वुडन क्लब। एंड की टाइम एक बार क्लब मिल जाए ना, इन पार्ट्स को मैं बताता हूँ यार। ओके अब ओके हमें मिल चुका है। ऑलराइट गाइस हमारा बेसबॉल बैट तो हमें मिल चुका है। एंड सामने कुछ चिकन्स नजर आ रहे हैं, क्वास का नाम क्या है भाई, क्या नाम है क्वास का, चिकन्स नजर आ रहे हैं, क्वास का नाम क्या है भाई, क्या नाम है क्वास का, हाँ चिकन है भाई। तुम लोग तेरी पैर जंगले मुक्का मुक्का ज्यादा बोल दो, फालतू बोल रहे ले फालतू बोल रहे। अबे भाई ओए ये भी तो जिंदा गई। ओके आई थिंक वेट ऑलराइट, मैंने बॉस को तो मार दिया है। अभी मुझे अपने वर्क बेंच पे वापस आना पड़ेगा गाइस, क्यों क्या पता हम लोग कुछ भी मतलब कुछ तो हो सकता है ना भाई। एंड हमारे पाल में उसकी टांग उसकी तो यार एक मिनट ओके गाइस हम लोग टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन पे तो आ चुके हैं। एंड यहाँ पे है वो स्टोन पिकैक्स एंड ओके एंड हमें है यहाँ पे वर्क बेंच एंड यहाँ पे है स्टोन एक्स एंड यहाँ पे है स्टोन पिकैक्स एंड यहाँ पे है हैंड हेल्ड टॉर्च एंड यहाँ पे है वुडन ग्लव। तो आई थिंक मुझे चाहिए जो कि मेरे पास है, एंड पॉल फ्रेगमेंट चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, और स्टोन चाहिए। स्टोन तो मैं ले लूंगा, पॉल फ्रेगमेंट कहाँ से मिलेगा वो मुझे आइडिया नहीं है, तो स्टोन लेने के लिए मैं तो यहाँ से ही। भाई यार वेट गाइस क्या मैं बना सकता हूँ, कितना स्टोन मिलता है मेरे को। आई थिंक पास फिर के लिए मेरे स्टोन मिल चुका है। एंड फ्रेगमेंट चाहिए भाई मुझे, एक पाल फ्रेगमेंट चाहिए भाई। बैच की टांग में 2 घंटे से घूम चुका हूँ, अभी तक मुझे पाल फ्रेगमेंट नहीं मिला है। एंड अभी भाई मेरा वर्क बेंच भी खो चुका है, तो बता रहे आप ये कौन सा पोकेमोन है, एक सेकंड का नाम क्या है, कैटिवा है वे। अबे हेलो कैटिवा, हेलो कैटिवा। यार मुझे इन पोकेमोन को मारना तो नहीं चाहिए, बट यार मुझे ना अभी पाल फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। वेट ये क्या है, ओ भाई पाल स्फीयर, भाई पूरा का पूरा पाल स्फीयर मिल गया यार, पाल फ्रेगमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड पाल स्फीयर को मैं यूज तो कर सकता हूँ, तो क्यों दबाना होगा पाल स्फीयर को यूज करने के लिए। एंड सबसे पहले ना अरे भाई इस चिकन को हम लोग सबसे पहले कैप्चर करते हैं इनको, इसको मैं एक डंडा मारता हूँ। अबे भाई एक भूसा मारा इसको एंड इसकी एच पी अभी भी नहीं गई है। अबे भाई ओ तेरी, ये तो मारती भी है। अबे अबे तेरी भैंस की टांग, एक मिनट इसको किसको कैप्चर करते हैं। अबे भाई दूसरा, अबे भाई पूरा पास फिर वेस्ट करवा दिया तेरी भैंस की। अबे भागो अल्लाह पीछे भाग गए मेरे, अल्लाह नहीं 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 भाग 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 भाग। ओके सामने कुछ और मिल चुका मुझे, आई थिंक ये क्या है, ये पाल फ्रेगमेंट है। यस गाइस यही था, यही चाहिए था मुझे। अबे भाग 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 भाग, अबे नहीं 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 नहीं, अबे नस देखिए देखिए
भाग 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 डॉज करना। अच्छा मुझे डॉज छूट जाता है करना। ओके ये भी पकड़ लेते हैं। ये री पैस कीटा ये पीछे तो नहीं आ रहे मेरे। ओके गाइस हम लोगों ने ये भी पकड़ लिया है। एंड सबसे पहले ना मुझे एक पाल बेंच, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्क बेंच क्रिएट करना होगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो वर्क बेंच क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाना होगा। एंड यहाँ पे एक वर्क बेंच है जिसको मुझे बनाना होगा यहाँ पे। लेट्स गो इसको बिल्ड करते हैं। ओके जल्दी जल्दी हो जाओ 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 जल्दी से गाइस एक बेड अनलॉक कर लेते हैं। अबे भाई इसको मैं क्यों तोड़ रहा हूँ बेंच की जगह। ओके यहाँ पे एक टॉर्च है, मैं टॉर्च क्राफ्ट कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी से क्राफ्ट हो जाओ भाई। ओए मेरे भाई क्राफ्ट को हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। सुबह एक शाम हो जाए और यहाँ पे पोकेमोन लिहाज नहीं करते भाई, सीधा खड़ो जाते हैं भाई। मैंने सुना यहाँ पे मेमो रस्ते सबसे खतरनाक पोकेमोन पोकेमोन। तो आई थिंक मैं क्रिएट होगी क्या, पता नहीं क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। ओके मेरे पास अभी 12 पॉइंट्स हैं तो मैं एक छोटी बेड को अनलॉक कर लेता हूँ। एंड इसको बनाने के लिए मुझे वुड और वूल और फाइबर की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास 4 है। अबे भाई यार जो कि मेरे पास 4 है लेकिन मुझे एक और चाहिए। वुड तो मेरे पास हो जाएगी भाई। एंड मुझे एंड तो भाई एक सीन समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरी 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 टॉर्च किधर गई भाई, पहले मुझे ये बताओ भाई कि मेरी टॉर्च किधर है। ओके गाइस शाम हो चुकी है एंड अभी रात होने का तो भाई टाइम आ चुका है। ओ भाई तेरी पैंस की टांग ले मुका ले 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 मड़ा। अबे पैंस की आंग, ओए ये क्या था भाई, ये क्या था। तेरी पैंस की मर मर गया मर गया मर गया ये मर नहीं। मैंने अपने अपने आप को थोड़ा सा हील कर लिया है। पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी ठंड बढ़ती जा रही है ना कि मैं मरता जा रहा हूँ यार। हमें अभी थोड़ा सा दूर जाना होगा, थोड़ी ठंड है ना यहाँ पे। अरे भाई मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा मेरा मेरी मेरी भैंस की टांग मेरी टॉर्च किधर गई यार, मेरा वर्क बेंच किधर है। अबे भाई क्या है यार ये, क्या 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 भाई ये पायलट क्या है भाई, क्या सीन है भाई। मैं मरता जा रहा हूँ यार, कुछ तो रहम कर लो भाई। अरे भाई मैं मरता रहूंगा भाई। भाई पानी अभी पानी ठंडा यार, कोई पानी खुद ठंडा यार, निकालो मुझे यहाँ से। नहीं भाई भाग ले यार, क्या है यार मैं ठंड से ही मर जाऊंगा यार। गाइस तुम्हारा भाई ठंड से ही मर जाएगा। इससे अच्छा ना मैं ना एक क्या करता हूँ ना, एक कैसे ना कैसे करके ना एक टॉर्च बना लेता हूँ यहाँ से। ये बन जाए यार, एक कौन चाहिए ना टॉर्च के लिए बनने। ओके गाइस मैं मर चुका हूँ। शिट यार क्या है यार, रिपीट हो गया भाई यार। तो पैंस की टांग ठंड से तुम्हारा भाई मर गया यार। हेलो भाई प्लीज रात में नहीं भाई रात। अबे भाई मेरा तो यही है यार, यहाँ पे ही होना पड़ेगा यार, होना पड़ेगा यार। अबे भाई ए भाई यार, अबे यहाँ पे भी तो ठंड है यार। तो यार ओके गाइस थोड़ी सी सुबह हो रही है। ओके यस यस सूरज निकल आया है। यस ओ वाओ नाइस गाइस सूरज निकल आया है यहाँ पे। यस ये तो बहुत अच्छी की बात है। ओके गाइस सुबह हो चुकी है, मतलब अभी सुबह के 7 बजे होंगे ऐसा लग रहा है। एंड जल्दी जल्दी से भाग के ना मैं जाता हूँ अपना सामान लेने के लिए। अभी ओके भागते नहीं है क्या, अभी क्या भागा नहीं जाता किस गेम में जाते वो। ओके ओके यहाँ से शूट से भागा जाता है लगा। इतनी नीचे क्या मेरा सामान, गर्मी भी लग रही। ले भाई मैं मरने वाला, जल्दी जल्दी से अपना सामान पकड़ते हैं
अबे भाई यार, अबे भाई ओपन करो एंड लेट्स गो। ओके गाइस, हमारा सामान तो मेरे पास वापस आ चुका है एंड अभी हम लोग जल्दी जल्दी से ना कुछ कुछ तो मतलब स्मॉल स्पेयर वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टॉर्च भी नहीं है, तो मुझे टॉर्च बनाने के लिए स्टोन चाहिए होगा, तो स्टोन के लिए मुझे स्टोन का तोड़ना होगा। मैं बनाते हैं अभी, हमारी एचपी कम है इसलिए शायद हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए। ओके, खुद को थोड़ा सा हील करते हैं, ठीक है। सब खा गया क्या मैं? ले भाई मेरा खाना भी खत्म। वाओ ए भाई यार, खाना लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यार, क्या भाई सीन चल रहा है। ओके गाइस, सामने एक आइलैंड दिख तो रहा है मुझे, क्या वहां पे जाया जाए यार? पहले हम अपने आइलैंड में तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाद में वो वाले आइलैंड में जाने का देखा जाएगा। पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्री काटना होगा। भूल भूल कौन देता है भाई? चिकी भी भूल देती है क्या? भाई मेरे पास पास फेर नहीं है, इसको कैसे कब तक करूंगा? भूल तो दे दे बे भाई, ऐसे दिया यार, भूल दे दे भूल। अबे भाई तो भूल शीप देती है ना, तो शीप शीप ढूंढनी पड़ेगा इस मुझे ना, आई थिंक मुझे। अबे भाई ये शीप, हेलो शीप को शीप को शीप को ले मरा ले काम का ले 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 बे मर गया यार। ओके गाइस, हमें दो बुल मिल चुका है, आई थिंक हमें एक और चाहिए बेड को क्राफ्ट करने के लिए। ओ भाई यहाँ पे एक मुझे एग मिला है, ये हम ना एग को उठा लेते हैं, डैम्प एग, पता नहीं क्या नाम है इसका। एंड लेट्स गो, मुझे ना भाई यार आई थिंक एक बस एक और बुल चाहिए ना यार। ओके यहाँ पे पाल फ्रैगमेंट भी मुझे मिल चुका है, जिसको हम लोग उठा लेते हैं। एंड यहाँ पे सामने की तरफ तो वो चीज तो मिला होगा ना, जो ये क्या नाम है इसका, तो हम अभी दे देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे चिकन दिख चुका है, इसको पेल लेते हैं। एंड भाई यार का शिपू मिल जाए भाई, शिपू कहाँ पे भाई तू? अरे भाई यार शिपू नहीं मिल रहा क्या शिप? ए भाई जब जरूरत होती तब वो मिलता नहीं है यार शिप, कहाँ पे ये भाई? अब कैटिव आ गया, ये फिर से आ गई तेरी भैंस की। यहाँ को मैं समझाया था यहाँ पे मत आया कर, तो मत आया कर ना, मैंने मतलब आया कर यार, अपनी जरूरत भी तो है तेरी मारने के लिए। ओ भाई यहाँ पे कुछ अलग तरीके के पोकेमॉन घूम रहे हैं भाई यहाँ पे तो। ओ भाई साहब कोल्ला मैं मरने वाला, मैं एक सेकंड को भाई मैं मरने वाला था यार, मतलब मरने ही गिरने वाला था भाई माउंटेन से नीचे, भाई माउंटेन से नीचे जाता तो खत्म था मैं। अबे भाई मैं अभी मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, लेट्स गो एंड यहाँ से वाओ। ओके गाइस, यहाँ पे एक कॉल वर्ल्ड की एक और दुनिया में, मतलब एक ही दुनिया है लेकिन थोड़ा अलग अलग है, खुला खुला था। ऑलराइट शिपू भाई मुझे नहीं मिलेगा शिपू, ठीक एक मिनट यार मैं चेक कर लेता हूँ कितना बैठ चाहिए भाई।
अबे भाई यार, इससे मैं क्यों चक्कर लूं? क्या मैं पागल हूँ यार? मुझे टी को दुबाना है एंड यहाँ पे मुझे बेड का चेक करना पड़ेगा ना गाइस। देखो भाई, एक नंबर का पागल है। बेड तो हम बना सकते हैं ना यार। ओके, बेड का सामान तो हमारे पास आ चुका है। क्या हम टॉर्च बना सकते हैं? यस गाइस, हम लोग टॉर्च भी बना सकते हैं। तो टॉर्च हम लोग लॉक कर लेते हैं अभी ना, एक है ना, एक फास्ट ट्रैवल लॉक करते हैं ताकि हम मरे तो हमारा सामान फास्ट ट्रैवल से मिल जाए। ओबे बॉय सॉप, एक जेंट पोकेमोन। ओ भाई, ये तो बॉस पोकेमोन है मेमोरस। ओबे भाई, ये निकलो भाई, निकलो 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 भाई, हमारा लेवल नहीं आया ना जिससे इसको बीट भाई। इसने करना हम लोग ने पटिया ना भाई, अगर मेमोरस ने एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मैप में भी चेक कर सकते हैं ना गाइस। हमारा फास्ट ट्रैवल तो ये है प्लेट। अरे भाई यार रुको गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा फास्ट ट्रैवल है। अब मैं इतना मैप एक्सप्लोर कर चुके हैं बट भी मैप है इतना बड़ा एंड अभी हमें फास्ट ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ेगा प्लेटी ऑफ द बिगिनिंग। यहाँ पे चलते हैं फास्ट ट्रैवल करके। अच्छा यार, फास्ट ट्रैवल करने के लिए फास्ट ट्रैवल होना भी चाहिए यार, मैं पागल हूँ यार मैं। फास्ट ट्रैवल बहुत बड़ी ईगल है, इसको भी एक ना एक दिन कैप्चर करेंगे भाई। इसके ऊपर बैठ के हम लोग घूमेंगे भाई, घूमेंगे। मैं मर रहा हूँ क्या? ओए ओके गाइस, यहाँ पे मुझे एक एग मिल चुका है जिसको हम लोग खा लेते हैं एंड अभी हमें माउंटेन में चढ़ के यहाँ तक पहुंचना होगा गाइस, यहाँ तक चलते हैं। नहीं कसूर मर जाओ यार, मैं क्या है यार ये क्या? अरे भाई यार, बॉस ट्रैवल पे तो फोन हो यार। गाइस गाइस, क्या मैं तो मर चुका हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ पाल वर्ल्ड में, तो प्रो होने के लिए मुझे रेगुलर पाल वर्ल्ड खेलनी पड़ेगी। बट मुझे तो पाल वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसने पाल वर्ल्ड ट्राई किया है।